हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आप लोगों के साथ अपना 2018 का बर्थडे हमने किस तरीके से किया और उस दिन क्या क्या हुआ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 20 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है तो 20 जुलाई थी उस दिन। होता है ना कि शादी से पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हाँ बर्थडे हमारा होगा, मम्मी पापा मना ही देंगे, है ना, छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देंगे, है ना, या जो हम मांगेंगे वो हमें मिल ही जाएगा। तो मेरी शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था तो मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ अभी मेरा बर्थडे शादी के बाद है तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे या मेरा बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। मतलब ऐसी फीलिंग थी मुझे कि मेरा बर्थडे, सोचते हैं ना पहले से ही, 3-4 महीने से पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि बर्थडे आ रहा है, तो इसी तरीके से मैं भी सोचने लगी थी। फिर विशु मेरे टमी में थे, आई थिंक मेरे को 5 मंथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो फिर सोचा कि चलो यार घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे, बाहर तो आपको पता ही है कि मैं गुजरात में हूँ और कोई तो आना नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो घर पे ही सेलिब्रेट कर लेंगे। आई थिंक 9 या 9:30 हो रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने पोहा बनाया था तो हम लोगों ने पोहा खाना जैसे ही स्टार्ट किया इस एकदम से एक घंटी बजती है कि अब वो घंटी अभी बताऊंगी किसकी, तो एकदम से घंटी बजती है तो मैंने कॉल अटेंड किया, मैंने कहा हेलो, तो उधर से भाई लाइन पे थे तो मैंने बोला हाँ भाई, तो बोलने लगे और गुड मॉर्निंग, बर्थडे वर्डे विश किया मुझे। उसके बाद बोला कि आपका घर कहाँ पे है, तो मैंने बोला मेरा घर, मैंने कहा भाई गुजरात में है, तो कहने लगे नहीं नहीं गेट कैसा है, मैंने कहा व्हाइट कलर का, तो कहते हैं गेट खोलो। अरे हम तो शॉक्ड हो गए दोनों लोग। मैंने गेट खोला, मतलब मेरे को एक्साइटमेंट तो थी, भागना तो नहीं था। मैंने गेट खोला और मेरे भाई मेरे सामने, OMG कितनी एक्साइटमेंट होती है ना जब शादी के बाद आपका कोई भी रिश्तेदार फर्स्ट टाइम आपके घर आता है, तो वो फीलिंग मेरे मन में थी कि यार फर्स्ट टाइम भैया आए हैं और हमने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी। और मैंने भी सोच लिया था कि यार इस बार तो मेरे बर्थडे पे, जो हर बार मेरे बर्थडे पे मेरे भैया आते हैं उन्होंने कभी मेरा बर्थडे मिस नहीं किया है, वो हर बार मेरे बर्थडे पे आते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो शादी हो गई है अब भी तो सब लोग मतलब भूल गए मुझे, तो भैया नहीं भूले थे। तो भैया उस दिन आए गेट के, मैं तुरंत से एक्साइटेड होके बाहर भाग गई गेट पे क्योंकि भैया खड़े थे, भैया को लेके आई और हम अश्मित जी और मैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि यार भैया आ गए हैं और अभी हम क्या करेंगे। ठीक है, तो भैया आए, फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली से कोई मेरे घर आया था और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। भैया और वो भी सबसे भैया आए थे, तो जब भैया आए हमने भैया को बैठाया और नाश्ता हल्का हल्का हमने फिनिश कर ही दिया था, इतना सा पोहा बचा था तो मैंने भैया को उसी में से पोहा दिया। पोहा देने के बाद जूस वूस जो भी था उनका करने के बाद, यार हम सोच रहे उन्होंने हमें बताया ही नहीं, उन्होंने 1 महीने पहले से ही फ्लाइट करा ली थी अपनी आने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मेरे भैया ने 1 महीने पहले मेरे लिए फ्लाइट कराई और मुझे पता तक भी नहीं लगने दिया। इन सब की प्लानिंग थी, किसी ने भी नहीं बताया, मेरी चाची जी ने, मेरी मम्मी ने, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। तो भैया आए मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए, और सबसे बड़ी बात कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को रियल का जूस बहुत अच्छा लगता था, तो वो यहाँ पे शायद से नहीं मिलता भी होगा तो इतना नहीं पता था मुझे, तो भैया पूरी पेटी रियल के जूस की लेके आए थे मेरे लिए कि पियो अब कितना जूस पियोगी तुम। तो मैंने कहा भाई थैंक यू। फिर उसके बाद, और आपको पता है जब भी मेरा बर्थडे होता है तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, मेरे बर्थडे के दिन बारिश होती रहती है, तो बारिश हुई और भैया जब आए तो बहुत तेज बारिश हो गई, वैसे बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी, भैया जैसे ही आए तो पूरे में पानी भर गया।
नहीं भर गया तो भैया ने सोचा कि अभी हम क्या करेंगे बर्थडे वाले दिन। सबसे पहले हम मंदिर गए, फिर उसके बाद हम मॉल गए घूमने के लिए, उसके बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखो। और बहुत अच्छा लगता है जब आपसे जो प्यार करते हैं वो आपके बारे में इतना सोचते हैं। और मेरे भाई तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो हम सब बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उनमें से एक मैं हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सभी बहनों को बराबर प्यार करते हैं बट मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलिए आप पहले फटाफट से वीडियो देख लो। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता दी। जय माता दी। हो गया। हाँ दो पीस कर दो ना, आधा यहाँ पे रखोगे ना। भैया ने तो अलग ही मार दिया। रखो, ए मेरे को गोला पसंद है, छोटे वाला रखना। यहाँ पे रखो ना कंडी में। बड़ा मीठा हो रहा है यार। जय वैष्णो। जय माता। जय माता। सॉरी गाइज, आपको वीडियो देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। ये गुजरात का वैष्णो देवी मंदिर है। हम मॉल गए, मूवी देखी, डिनर किया और उसके बाद हम भैया को एयरपोर्ट छोड़ने गए। भैया को सी ऑफ कर दिया और वो दिल्ली चले गए। तो आप लोगों को मेरा 2018 का बर्थडे कैसा लगा
मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई तैयारी है, अभी तक तो कोई तैयारी नहीं है। तो आज है 19, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना बर्थडे शेयर कर लेती हूँ। तो आपको मेरा ये 2018 का बर्थडे कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे सभी फैमिली वालों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू।